उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर रेखा कुमारी के निर्देश पर BRABU के कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, रजिस्ट्रार प्रोफेसर संजय कुमार, वित्त अधिकारी विनोद कुमार राय और वित्तीय सलाहकार JP शर्मा पर विश्वविद्यालय थाने में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद के शिकायत पर गुरुवार को FIR दर्ज कराया गया। उच्च शिक्षा निदेशक ने RDD को इन सभी पर मामला दर्ज कराने का निर्देश दिया था। विभाग ने वित्तीय अनियमितता और राज्य सरकार के पैसे के नियम के विरुद्ध खर्च के आरोप में मामला दर्ज कराने को कहा था। शिक्षा विभाग ने बीते दिनों ऑडिट टीम भेजकर विश्वविद्यालय का ऑडिट कराया था। इसमें कई गड़बड़ियां सामने आई थी। इस मामले में कुलपति ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पूरा मामला ये है कि कल अचानक शाम के समय में FIR दर्ज कराई गई हमारे रजिस्ट्रार के ऊपर, FO के ऊपर, FA के ऊपर, बिना इनके किसी पक्ष को सुने हुए और बिना राजभवन के निर्देश के। विश्वविद्यालय आप लोग भी जानते हैं कुलाधिपति ही इसके सर्वे सर्वा होते हैं। बिना उनके किसी परमिशन के यहाँ पर डायरेक्टली FIR दर्ज कराया गया। और तो और सबसे शोभनीय तथ्य भी रहा कि मुझे अभी संज्ञान में आया है कि रात में हॉस्टल्स में घुसकर पुलिस प्रशासन ने लूटपाट की है, तोड़फोड़ किया है, छात्रों को पीटा है, जो वहाँ पे कर्मचारी हैं उनको पीटा है, उनको धमकी दी गई है कि अगर तुम लोग अगर ऐसा करोगे या तुम लोग अगर मूवमेंट में साथ में होगे या तुम लोग क्यों हॉस्टल में हो, हॉस्टल खाली क्यों नहीं कर रहे। पीछे की वजह क्या लगती है? अब ये वजह जिसने किया होगा वो जान, ये तो हमने किया नहीं है। मुझे विश्वविद्यालय चलाना, आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि 136 दिनों में 52 परीक्षाएं मैंने ली, रिकॉर्ड अंदर रिकॉर्ड। मेरा ये वादा था और मेरा संकल्प भी था कि हम अक्टूबर में लास्ट तक जाते जाते 2023 का रिजल्ट निकाल के हम कन्वोकेशन कराते। हमारे सारे सत्य पटरी पे आ चुके थे सभी चीज़ें। इसमें इस बार रिकॉर्ड एडमिशन हुआ 1,50,000 के आसपास। शिक्षकों ने बड़ी मेहनत की, रेपुटेशन विश्वविद्यालय का गौरव जो बिहार नंबर एक का था ये धीरे धीरे वापस आ रहा था, सत्र नियमित हो रहे थे छात्रों में। अब अगला कदम ये जो हमारे शिक्षक संघ के लोग और शिक्षकेतर संघ के लोग और छात्र संघ के लोग जो निश्चित करेंगे, ये तो हम लोग पदाधिकारी हैं। हमारा नैतिक दायित्व होता है, हम संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हैं, इसलिए मेरा कहना यहाँ उचित नहीं होगा। जो कुछ कहेंगे हमारे शिक्षक संघ के लोग कहेंगे। वित्तीय अधिकार सीज किया गया था, अब वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाकर FIR किया गया है, क्या कारण लग रहा है? जब वित्तीय अनियमितता के अधिकार को आप देख तो लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, आप जो चीज़ें लगाई गई हैं तो हमारे FO और FA से पूछा जाए कि उसकी सफाई ली जाए। किसी के ऊपर कोई भी आदमी आके इसका आरोप लगा के चला जाए और सामने वाले को अगर सुनने का ही मौका न दिया जाए तो ये कहाँ कंडिया है मुझे बता दे। FIR दर्ज हो गई है तो क्या अब क्या असर आगे रहेगा? अब वो जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो उस हिसाब से चलेगा, वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। जी बिल्कुल दे देंगे, सारी सच्चों अधिकारियों को देंगे, निश्चित तो दे भी दिया। इस संबंध में सर राजभवन से बातचीत हुई है क्या? जाहिर बात है कि हमारे कुलाधिपति वही हैं, हम उनको जानकारी तो देंगे। जानकारी दे दी गई? बिल्कुल जानकारी बिल्कुल देंगे। क्या लग रहा सरकार के इशारे पर ये 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 मैं संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ हूँ, हमें सरकार पर या किसी भी तंत्र पर टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे अपनी मर्यादा का ध्यान है, मैं अपनी मर्यादा में रह के ही काम करता हूँ। मैं अब जब FIR दर्ज हो गई है तो न्यायिक व्यवस्था के बेल लेना वो सब करेंगे? फिलहाल मैं बेल नहीं लूँगा, मैं बेल लेने नहीं जा रहा हूँ, बाकी जो कार्रवाई जिसको करनी होगी।